Welcome to the online classes organized by Dhakad. I'm your guru for English, and this is the second part of our lecture series on the syllabus of Group D vacancy 2019. तो ये हम लोग second part है और second part में हम लोग syllabus शुरू करने वाले अपना और पहला chapter हम लोग शुरू करने वाले देखिए जरा chapter का नाम होने वाला है sentence analysis मतलब वाक्य का विश्लेषण कैसे करना है ठीक है अब ये चैप्टर जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो आपके सिलेबस के अंदर टेंस है आर्टिकल्स है एडजेक्टिव है वर्ब है मतलब बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे गए हैं उसके साथ साथ में सेंटेंस का टाइप पूछा गया है कि सेंटेंस बताओ कि कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा ठीक है तो ये सेंटेंस का टाइप पहचानने के लिए आपको वाक्य का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ठीक है अगर हम वाक्य विश्लेषण नहीं करेंगे तो बेसिक चीजें हमें कवर नहीं हो पाएगी तो दो तीन वीडियोस हम लोग ये बेसिक क्लियर करेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे बाकी के चैप्टर्स के अंदर ठीक है तो देखिए सेंटेंस को एनालाइज करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ आप ट्राई करना उसका ट्रांसलेशन करने के समझने की ट्राई करना ठीक है तो सेंटेंस इज Sentence is, I tied the black cow tightly to a stub yesterday. कहता मैंने उस काली गाय को एक खूंटे से कस कर कल बांध दिया था स्टब मीन्स खूंटा होता है ठीक है खूंटा ठीक है वैसे स्टब के बहुत से मीनिंग और भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाके एक बार आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना देखिए अगर मैं आपसे बात करूं इस सेंटेंस में वर्ड्स पहचानो कितने वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के अंदर शब्दों की संख्या ज्ञात करो शब्द कितने हैं इसमें तो देखिए हम लोग काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ एंड दस इस सेंटेंस में देखो दस वर्ड्स हैं अगर वर्ड्स की परिभाषा बताएं तो क्या होती है कि वर्ड्स की परिभाषा ये होती है कि अ सिंगल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर या तो एक सिंगल अक्षर होगा या फिर अक्षरों का समूह होगा जिसका एक मतलब निकलेगा वो एक वर्ड कहलाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे हमें ये पता है कि ए बी ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता ठीक है तो इसका मतलब ये क्या है कि शब्द नहीं है ये अगर मैंने इसमें यू जोड़ देता हूँ तो बोलेंगे अबू लेकिन अबू एक उर्दू वर्ड है इंग्लिश वर्ड नहीं है ठीक है तो ये भी अभी तक वर्ड नहीं हुआ मैंने टी लगा दी पीछे तो वर्ड बन गया आपका एबट है ना एबट का मतलब होता है सन्निकट ठीक है क्या मतलब होता है सन्निकट मतलब एकदम पास चिपका हुआ जैसे देखो मेरी हाथ है इस हाथ से अगर इस हाथ को चिपका दूं तो ये कहलाएगा सन्निकट कहलाएगा ठीक है इसे बोलते हैं एबट पोजीशन आपस में चिपकी हुई तो इसका मतलब निकल गया ना तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर है ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका एक मतलब निकलता है तो ये आपका क्या कहलाएगा एक वर्ड कहलाएगा ठीक है देखो जैसे आई है हालांकि ये सिंगल लेटर है लेकिन इसका एक मतलब निकलता है तो आई भी क्या एक वर्ड है आई का मतलब मैं होता है ना वैसे देखो ये ए है इस ए का मतलब भी एक होता है आर्टिकल से पढ़ेंगे है ना तो ये भी एक वर्ड है तो एक सिंगल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैव अ मीनिंग आर कॉल्ड वर्ड्स ठीक है तो इस तरह से हम देखो हमने सेंटेंस में दस वर्ड ढूंढ के निकाले हैं एक दो तीन चार पांच छह सात नौ दस आई टाइड द ब्लैक काउ टाइटली टू अ स्टब यस्टरडे मैंने उस काली गाय को कसकर खूंटे से बांध दिया था ये आपका सेंटेंस है ठीक है अब जरा देखिए जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि अपना इंट्रो दो तो आप लोग अपना इंट्रो कैसे देते हो शुरुआत ऐसे करोगे ना माई नेम इज दैट 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 एंड आई एम अ ब्लैंक 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 मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ मतलब पहले अपना नाम बताओगे उसके बाद बताओगे आपका काम क्या है ठीक है वैसे वैसे आप शब्दों को दो कैटेगरी में बांट सकते हो ठीक है एक तो उनके नाम के आधार पर मतलब उनकी प्रकार के आधार पर उनके काइंड के आधार पर और एक उनके कार्य के आधार पर ठीक है शब्दों को प्रकार के आधार पर बांटते हैं तो देखो शब्द आठ प्रकार के होते हैं मॉडर्न इंग्लिश नौ प्रकार की मानती है आठ प्रकार के जो वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ठीक है तो हम किसी भी वर्ड को दो प्रकार से बांट सकते हैं ठीक है पहला हम लोग बांटते हैं उनके टाइप्स के आधार पर उनके प्रकार के आधार पर उन्हें हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना होगा इसके बारे में आप लोगों ने ठीक है उसके बाद में देखो शब्दों को बांटते हैं उनके कार्य के आधार पर कार्य कितने करते हैं उसके आधार पर हम लोग उन्हें बांटते हैं ठीक है तो देखो
इनके कार्य के आधार पर शब्दों को हम लोग बांटते हैं पांच प्रकारों में, ठीक है, एंड दोज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक वाक्य के शब्दों को दो प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर, मतलब उनके टाइप्स के आधार पर, ये उनके टाइप्स होते हैं, शब्दों के टाइप्स होते हैं, ठीक है, और एक उनको बांटते हैं उनके कार्य के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर, कि वो सेंटेंस में वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, क्या सेंटेंस में वो कार्य कर रहे हैं। तो फंक्शन के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार कौन से, तरह देखिए, पहला प्रकार आता है नाउन, पहला वर्ड नाउन है, ठीक है, एक वर्ड या तो नाउन होगा या फिर वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, तो ये इनके टाइप्स के आधार पर है, या फिर वो एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है, या फिर वो एक वर्ब होगा, या फिर वो एक एडवर्ब होगा, ठीक है, या फिर वो एक प्रेपोजिशन होगा, या वो एक कंजंक्शन होगा, या फिर वो एक इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। तो ये आठ प्रकार के, देखो एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, तो शब्द आपके टाइप के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, इससे अधिक टाइप के वर्ड्स नहीं होते। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या करते हैं कि इस एडजेक्टिव का एक भाग निकाल देते हैं, डिटरमिनर्स, उसको डिटरमिनर्स को नौ टाइप का वर्ड मान लेते हैं, नाइन्थ टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है। लेकिन आप आठ प्रकार समझ, क्योंकि डिटरमिनर्स जो है ना वो भी एक एडजेक्टिव का भाग ही होते हैं, समझाऊंगा क्यों होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स देर आर एट टाइप्स ऑफ वर्ड्स विच आर कोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दोज आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब इन्हें कोई भी वर्ड उठा लीजिए, कोई भी वर्ड उठाओगे तो इन आठों में से तो एक हो गई होगा, ये टाइप के आधार पर, ठीक है। और एक होते हैं उनके फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर, जो कार्य के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, सबसे पहला होता है वर्ब, कोई वर्ड जो होगा वो वर्ब का कार्य करेगा, ठीक है, या फिर होगा वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देख के दो या डूअर के दो, हल्का सा फर्क है, समझाऊंगा आपको मैं आगे, या वो होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या वो होगा एक एडवर्ब, या फिर होगा वो कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो शब्दों का कार्य के आधार पर हम लोग पांच प्रकार से बांटते हैं, उन्हें हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, एंड दोज आर वर्ब, सब्जेक्ट या और डूअर, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये पांच प्रकार के आपके शब्द कार्य के आधार पर, और आठ प्रकार शब्द आपके किसके आधार पर, प्रकार के आधार पर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इनको बांटते हैं। अब जरा देखो, मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं, जैसे मैंने पूछ लिया कि आई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मतलब इन आठों में से क्या है, आई क्या है, आई का कार्य क्या नहीं है, कार्य नहीं पूछ रहा हूं, आई का प्रकार क्या है। तो देखिए जरा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, इधर, नीदर, ईच, है ना, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, क्या कहलाता है, ये सारे प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि आई का जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो क्या है, वो प्रोनाउन है, तो आई पी कहलाएगा, आई एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब थोड़ा तो बेसिक बातें हैं, थोड़ा उनको ध्यान रखते रहना। तो आई एक प्रोनाउन है, तो देखो मैंने पूछा कि आई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या, तो आप बोलोगे प्रोनाउन है। मैं बोल देता हूं आई का एलिमेंट क्या है, तो पता है भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, कार्य करने वाला यही है, तो सेंटेंस का डूअर यही हुआ ना, तो आई आपका क्या है, सेंटेंस का डूअर है, सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट में डूअर में क्या अंतर होता है, देखो आप समझाता हूं। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ये है आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आई क्या, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो भाई, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो यहाँ पे क्रिकेट खेलना एक क्रिया है, यहाँ पे तो देखो एम का मतलब खाली है, खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, यहाँ प्ले का मतलब खेलना होता है, तो खेलने के लिए यू आर नॉट सपोज टू बी अ सब्जेक्ट, यू हैव टू बी डूअर,
आपको डूअर होना पड़ेगा, कार्य करने वाला होना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी में अगर यहाँ पे एक वर्ब क्या हो, एक वर्ब, एक फंक्शनल वर्ब जिसमें कार्य होता है, जैसे सोना, खाना, बैठना, आना जाना, लेटना, ये सब क्या है, फंक्शनल वर्ब्स है, ठीक है। तो इनमें इनके जो काम निभाते वाला होता है ना, उसे हम लोग डूअर कहते हैं। तो ये आपका डूअर हुआ, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग इस बंदे के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट कहला सकता है, लेकिन बेसिकली एलिमेंट के आधार पर आप इसको डूअर बोलेंगे। आई यहाँ पे काम करने वाला है, आई डूअर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है, बस आई के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करता है उसे हम डूअर कहते हैं, लेकिन एलिमेंट के आधार पर आप इनको सब्जेक्ट डूअर कैसे बांट सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए जरा, मैंने आपको समझा दिया भाई इनको एलिमेंट के आधार पर और इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर कैसे बांटना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, और एलिमेंट्स क्या है, फंक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत शुरू करते हैं, देखिए यहां से आते हैं। और देखो, कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि देखो सर, वर्ब और एडवर्ब यहां पर भी है और वर्ब और एडवर्ब यहां पर भी है। तो थोड़ी बात ध्यान रखना कि वर्ब और एडवर्ब शब्दों के प्रकार भी होते हैं, शब्दों के कार्य भी होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अपने अगर इंसान हम बात करें तो कुछ लोग अपने जाति के हिसाब से कार्य करते हैं, अपने कास्ट के हिसाब। जैसे सुथार है तो अगर लकड़ी वाला काम करता है तो उसकी जाति भी सुथार है और काम भी सुथारी का है। तो उनका काम और उनकी जाति, मतलब इनका प्रकार एक ही हुआ ना। वैसे लोहार है, वैसे सुनार है, वैसे वैसे मान लीजिए कि इंग्लिश का ये लोहार सुनार की बात है, ठीक है। तो वर्ब और एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी आते हैं और एलिमेंट्स के अंदर भी वो आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब शुरुआत से शुरू कर, देखो बेसिक बेसिक कुछ परिभाषा है इनकी, वो ध्यान रखते रहना। हम पूरे सेंटेंस को बांटेंगे अभी, है ना, बात करेंगे इसके ऊपर। देखो हम लोग बात करते हैं नाउन की, तो नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा बोलते हैं भाई, बेसिकली बात है ना, संज्ञा। तो देखो संज्ञा क्या होती है, एक परिभाषा याद की थी कि द नेम ऑफ अ प्लेस और ए थिंग और दैट और दैट दैट, ये सारे नाउन होते हैं। लेकिन आसानी से परिभाषा याद रखना कि दुनिया में हर एक चीज जिसका नाम है वो संज्ञा होती है, इसका एक नाम है वो संज्ञा होती है। अब संज्ञा परिभाषा इतनी सी नहीं है, बहुत सारी परिभाषा है नाउन की, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। एक छोटी सी परिभाषा याद रखना, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वो एक संज्ञा है। मेरा नाम है देखो दीपक, दीपक नाम है, नाउन हुआ मैं। मेरा एक और नाम है, मैं बॉय हूँ, लड़का हूँ, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। मैं इंसान हूँ, तो इंसान भी एक नाम है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। इसका नाम मार्कर है, डिजिटल मार्कर है, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। ये फैन है, ये टीवी है, ये एयर कंडीशनर है, सबका नाम है। जो चीज़ आपको दिखती है उसका एक नाम होना है, और जिसका नाम है वो क्या है, वो नाउन है, वो संज्ञा है, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस के अंदर, और देखो हम लोग तो क्या इंसान है ना, हम लोगों ने उन चीज़ों के भी नाम निकाल दिए जो हमें खुद को याद नहीं रहते, हमने उन चीज़ों के भी नाम निकाल जो हमें खुद को याद नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बार वन वर्ड सेक्शन में आ गया था कि द टिप ऑफ शू लेस इज कोल्ड, शू लेस जूते की फीता जो होता है, जूते का फीता, उस पर आगे टिप लगी होती है ना, टेप लगी होती है, उस टेप से क्या होता है कि जूते का फीता जो होता है वो आसानी से छेद से निकल जाता है। तो उस टिप का नाम पूछ लिया गया, द टिप ऑफ अ शू लेस इज कोल्ड वॉट, याद रखना, द टिप ऑफ अ शू लेस इज कोल्ड एगलेट, ए जी एल ई टी, एगलेट का मतलब है जूते की, जूते के फीते की टिप कहलाती है, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसे नाम है जो हमें कभी याद ही नहीं रहे, ठीक है। और इवन हम लोगों ने तो क्या है, भावनाओं के नाम निकाल दी, भावना, हालांकि भावना एक लड़की का नाम है, भावना मतलब आपकी जो फीलिंग्स है उनके भी नाम निकाल दिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे सर्दियों का मौसम है, ठीक है, भयंकर सर्दियों का मौसम है, आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते आपने देखा कि भाई एक छोटा सा पिल्ला है, वो ठंड से कांप रहा है, तो आपके मन में कुछ ऐसी फीलिंग आई है ना कि आप अंदर गए, अपना कंबल लेके आए, उसके ऊपर डाल दिया, तो देखो मन में एक फीलिंग आई ना, उस फीलिंग का नाम अलग है, उस फीलिंग को हम लोग मर्सी बोलते हैं, दया बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपथी बोलते हैं, एम्पथी बोलते हैं, सहानुभूति बोलते हैं भाई। तो ये फीलिंग का नाम हुआ ना, तो फीलिंग का नाम भी क्या है, आपका एक नाउन कहलाएगा, ठीक है। इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहा जाता है, जो फीलिंग्स के नाम होते हैं, एक्शंस के नाम होते हैं, इवेंट्स के नाम होते हैं, फिनोमिनन्स के नाम होते हैं, सारे क्या है, नाउन कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इनको, क्योंकि ये दिखते नहीं है, सिर्फ फील होते हैं, ठीक है। और देखिए जरा, जैसे अभी आपको क्या आया मन में, मर्सी आई, दया आई, सिंपथी आई, एम्पथी आई, ठीक है। मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति है जिसमें आपको क्या है, सड़क पे एक पर्स मिल गया, ठीक है, उस पर्स में कुछ रुपए थे, आपने रुपए निकाल लिए और जेब में डाल के पर्स को फेंक दिया। अगर आप चाहते तो उस पर्स से आईडी निकाल के उस बंदे तक पहुंचा सकते थे,
ये पहुंचा या नहीं, तो बताओ मन में कौन सी फीलिंग आई, कौन सी भावना आई, लालच आया, ग्रीड आया, एवरेजनेस आया, है ना, एवरेज आया, इसे क्या बोलते हैं, लालच बोलते हैं, ये भी एक फीलिंग है, ये भी भावना का नाम है, तो ये भी एक नाउन है, ठीक है। क्या ये वही सेम फीलिंग है जब आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही हो, आप शादी में फूल फेंक रहे हो, तो ये फीलिंग अलग है, उस टाइम आपको जेलसी होगी, इस टाइम क्या हो रही है आपको, लालच है, एवराइस है, ठीक है। तो फीलिंग फीलिंग का अंतर है और भावनाओं के नाम भी अलग अलग है, ठीक है। मर्सी है, ग्रीड है, लेजीनेस, ये सब फीलिंग्स है, इन फीलिंग के नाम भी निकाले हुए, ठीक है। जेलसी है, एनवी है, ये सभी क्या है कि एक फीलिंग्स के नाम है, ठीक है। अच्छा सवाल ये है, जेलसी और एनवी, इन दोनों का मीनिंग एक जैसा होता है, इसका मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में क्या फर्क हो सकता है आपके हिसाब से, जेलसी और एनवी के अंदर क्या फर्क हो सकता है, ठीक है। ये भी ईर्ष्या, ये भी ईर्ष्या ही है, क्या फर्क है जरा बताओ, मैं समझाता हूँ। देखो जेलसी में और एनवी में क्या फर्क होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप घर पे पहुंचे, तो मान लो चला कि आपके खुद के कपड़े जो आप बड़े महंगे कपड़े लेके आए थे, आपका दोस्त पापा से मांग के लेके चला गया और वो पहन के घूम रहा है, आपके कपड़े थे, पैसे आपने लगाए थे, इकट्ठा बड़ी मुश्किल से किए थे, लेकिन आपके कपड़े आपका दोस्त पहन के घूम रहा है, तो इस टाइम जो मन में आप फीलिंग आ रही है ना, वो जेलसी की फीलिंग आ रही है, बिकॉज देयर इज ए लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट, एक लॉजिकल रीजन इसके पीछे है, भाई आपके कपड़े हैं, कोई और पहनेगा तो कॉमन सी बात, ईर्ष्या तो नहीं होनी है, इसे क्या बोलते हैं, जेलसी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका दोस्त है, वो कुछ नए कपड़े लेके आया है ना, और पहन के घूम रहा है मस्त, पैसे उसने लगाए, मेहनत उसने की, इकट्ठा उसने किया, लेकिन जल आप रहे हैं, तो ये एनवी है, ठीक है। एनवी का मतलब होता है एनवी, फालतू काम क्यों जाती है, कोई रीजन नहीं होता रीजन पीछे, है ना। जैसे आपके दोस्त है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घूम रहा है और आप जल रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, तो ये क्या है, एनवी है। लेकिन आपका दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा तो इट विल बी कॉल्ड जेलसी, तो ये आपकी जेलसी होगी, ठीक है। तो एक देखो एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ, एक ज्यादा क्वेश्चन देखते कर, सेंटेंस इज एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन हर हस्बैंड इज टॉकिंग टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है। कहता है कि एक औरत को एनवी घेर लेती है जब उसका पति किसी उसकी एक दोस्त से बात कर रहा होता है, ठीक है। तो देखो भाई पति किसका है, इस वुमन का तो हस्बैंड है, कॉमन सी बात है, इसका पति है किसी और से बात करेगा, तो देखो लॉजिकल रीजन तो हुआ ना इसके पीछे, किसी और का पति उसके दोस्त से बात कर रहा है तो ये तो एनवी है, जलन फालतू काम की है। आपका पति किसी और से बात करेगा तो कॉमन सी बात यह है कि भाई जलन होनी तो लाजमी है ना। तो यहाँ पे एक लॉजिकल रीजन है इसके पीछे, सो तो देर विल बी एन एरर इन द पार्ट ए, एनवी की जगह हम लोग क्या करेंगे, जेलसी करेंगे, ठीक है। समझ आया ना, एनवी की जगह जेलसी करेंगे क्योंकि ये हस्बैंड क्या है, उसी का है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, तो अभी हम लोगों ने नाउन्स की बातें की थी, संज्ञाओं की बातें की थी, ठीक है। तो संज्ञा कोई भी हो सकती है, जिसका एक नाम है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। देखो नाउन की परिभाषा और भी लंबी चौड़ी है, अब समझाऊंगा मैं, एक परिभाषा ये दी गई, ये बताई मैंने कि द नेम ऑफ एनीथिंग और एनीवन इज कॉल्ड अ नाउन, किसी का भी कोई नाम है तो नाउन है, ठीक है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने नाउन डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको, तो बताओ सेंटेंस में नाउन कहाँ पर है, आई टाइड द ब्लैक काउ टाइटली टू अ स्टब यस्टरडे, मैंने एक काली गाय को कसकर खूंटे से बांधा था, तो बताओ मुझे बताओ, आई किसी का नाम नहीं होता, टाइट तो क्रिया है यहाँ पे, ये द आर्टिकल है, ब्लैक विशेषता है, तो काउ यहाँ पे संज्ञा है, एक जानवर का नाम है, तो काउ क्या एक नाउन है,
ठीक है। और देखो स्टब, स्टब भी एक खूंटे का नाम है भाई, खूंटे का लोग स्टब बोलते हैं ना, तो स्टब क्या है, एक यहाँ पे नाउन है। यस्टरडे किस दिन का नाम है, वो दिन जो बीत गया यस्टरडे, वो दिन जो आने वाला है टुमोरो, वो दिन जो आज है वो टुडे, तो ये दिन के नाम है, तो दिन के नाम भी क्या कहलाते हैं आपके, नाउन के अंदर ही आते हैं। तो ये मैंने जो बांटा है ये इनको इनके टाइप के आधार पर बांटा है, इनके प्रकार के आधार पर बांटा है, ठीक है। आगे चलते देखिए, तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि सेंटेंस तीन नाउन है भाई, ये और ये तीन नाउन है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, ऐसे देखो स्टब का मीनिंग समझाया था आपको मैं, स्टब का मीनिंग देखो, स्टब के वैसे बहुत से मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब जो है वो खूंटा होता है, जहाँ से हम लोग गाय को वगैरह को बांधते बांधते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, खूंटा कहते हैं, उसको भी आप स्टब कहते हो, ठीक है। और एक वन वर्ड सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि द रेजिड्यू पार्ट ऑफ ए सिगरेट आफ्टर स्मोकिंग इट, सिगरेट का बचा हुआ भाग, देखो सिगरेट होती है फूंक लेते हैं उसको, फिर फिल्टर बचा छोटा सा है ना, फिल्टर बजाता है, उसे भी क्या कहते हैं, स्टब ही कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इवन सिगरेट ही क्यों, कोई भी स्टिक शेप्ड ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर इस संरचना जो छड़ी नुमा है, मतलब वो छड़ी के आकार की है, उसका कोई भी वेस्टेज भाग जो होगा ना, रेजिड्यू पार्ट जो होगा ना, वो हमेशा क्या कहलाएगा, स्टब ही कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक लोहे का पोल है, आपने जमीन उसको लगा दिया, उसको दीमक खा गई या फिर जंग लग गई उसके ऊपर, वो खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट पीछे बच गया तो वो स्टब हुआ, ठीक है। बड़ा सा पेड़ था, बिजली गिर गई, पेड़ जल गया, लेकिन थोड़ा सा भाग जमीन के ऊपर रह गया, वो ठूंट बोलते हैं, है ना, उससे भी आप लोग क्या बोलते हो, स्टब बोलते हो। तीली थी, जला दी, जलने के बाद पीछे कोयला बच गया, वो भी क्या आपका स्टब है, ठीक है। तो कोई भी स्टिक शेप ऑब्जेक्ट है उसका रेजिड्यू पार्ट क्या कहलाएगा, द रेजिड्यू पार्ट ऑफ एनी स्टिक शेप्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टब, उसे भी आप लोग क्या कहते हो, स्टब कहते हो। और अगर स्टब को अगर हम एडजेक्टिव बना देते हैं, ये किसी विशेष, मान लीजिए अगर स्टब को हम लोग यूज करें एक सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह, जैसे ये देखो यहाँ पे स्टब किस तरह यूज हुआ, थोड़ा से सोचना है इसके बारे में, है ना। सेंटेंस ये है, राहुल इज सो स्टब दैट ही डजंट इवन लिसन टू हिज मदर, कहता राहुल इतना ज़्यादा स्टब है कि वो अपनी माँ को सुनता ही नहीं है, अपनी माँ की सुनता ही नहीं है, इतना ज़्यादा स्टब है। अब यहाँ पे देखो स्टब का मतलब क्या हो सकता है, देखो हमने समझाया था स्टब का मतलब खूंटा होता है, स्टब का मतलब स्टिक शेप ऑब्जेक्ट का कोई बचाव भाग होता है, नहीं यहाँ पे तो देखो ना तो राहुल खूंटा है, ना ही राहुल को छड़ी में संरचना का बचाव भाग है। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में कि वो तो एक नंबर खूंटा है, मतलब वो तो एकदम का ठूंठ है, एकदम खूंटे की तरह है, तो ये एक नेचर शो करता है, खूंटे जैसा नेचर का मतलब होता है जो एकदम जिद करता रहता है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, टस से मस नहीं होता, बात नहीं सुनता, उससे भी आप लोग क्या कहते हो, स्टब कहते हो, ठीक है। तो स्टब का मतलब जिद्दी भी होता है भाई, ठीक है ना, स्टब का मतलब क्या होता है, जिद्दी, जिद्दी। देखो जिद्दी के लिए कौन से वर्ड एग्जाम पूछते हैं, सुना होगा आप लोगों ने ये वाला वर्ड, स्टबॉर्न, एडमेंट, डेटमेंट, विलफुल। तो देखिए कुछ पांच छह वर्ड है जो इसके बेस्ट सिनोनिम्स होंगे। जिद्दी को आप लोग क्या बोल सकते हो, जिद्दी को आप स्टबन बोल सकते हो, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो, म्यूलिस बोल सकते हो, एडमेंट बोल सकते हो, डेटमेंट बोल सकते हो और विलफुल बोल सकते हो। तो ये सारे सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। देखो इस बड़े गौर करना, म्यूलिस, एम यू एल आई एस एच, है ना। देखो ये बना किससे, ये बना म्यूल से, म्यूल से,
और म्यूल का मतलब होता है खच्चर, खच्चर, ठीक है। अब खच्चर क्या है कि जब तक काम करेगा वो काम करेगा, जैसे ही उसने नियत अपनी खराब कर ली काम ना करने की, आप उसको पीट लो, आप उसको मार दो, कुछ भी कर लो, काम नहीं करेगा। तो खच्चर का स्वभाव क्या है, जिद्दी स्वभाव होता है एक तरह का, है ना। तो बस इस म्यूल से ये बना, म्यूलिस बना है, ठीक है। ज्यादा जिद करता है तो खच्चर के समान जिद करता है, उससे हम लोग खच्चर को म्यूल बोलते हैं और उसी से एक एडजेक्टिव बना हुआ है म्यूलिश, ओके। तो ये चीजें देखो, खच्चर एक, देखो एक जानवर का नाम है, तो ये एक नाउन है, और खच्चर के जैसा ये एक विशेषता है, एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण है, ठीक है। तब भी हम कुछ वर्ड्स देखे हैं, देखो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टब की बात करें तो स्टब के तीन तीन मतलब है, पहला क्या है खूंटा है, दूसरा क्या है इसका मतलब कोई भी स्टिक शेप ऑब्जेक्ट का बचाव भाग स्टब कहलाता है, और तीसरा मतलब क्या है जिद्दी, जो विशेषता होगा, ठीक है। और देखो जरा ये एक बड़े ट्रेंडिंग वर्ड अखबार में आते रहता है आजकल, स्टबल बर्निंग, जिसे दिल्ली में पोल्यूशन का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैटर मानते हैं, वो स्टबल बर्निंग है, ठीक है। देखो इसके अंदर देखो स्टब आ रहा है, STUB, है ना। स्टबल बर्निंग क्या होती है कि ये हरियाणा में और पंजाब में जब खेती करते हैं ना, तो खेती करने के बाद फसलों को क्या है कि जड़, वो जड़ से उखाड़ते नहीं है, तने के साइज से काट लेते हैं, है ना। तो फसल वगैरह वो ले जाते हैं, लेकिन तने तक का जो पौधे होते हैं, इतने इतने पौधे जमीन के ऊपर खड़े रहते हैं। अब या तो नेक्स्ट खेती करने के लिए उसको उसको उखाड़ के फेंको, मेहनत बहुत लगती है इसके अंदर, इससे अच्छा है कि उसमें आग लगा दो, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे आग लगाते हैं ना, तो धुएं का पॉल्यूशन जो होता है वो हवा के द्वारा वो दिल्ली वगैरह क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो ये हरियाणा में पंजाब में होता है ना। उसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे इतना अच्छा याद नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टबल बर्निंग बोलते हैं। ये देखो स्टब ही तो है, क्योंकि देखो फसल है वो खड़ी है, तने के पास से काट लोगे तो इतना सब जो बचा हुआ भाग होगा वो स्टब ही कहलाता है। मैंने क्या बताया था, स्टिक शेप ऑब्जेक्ट का बचा हुआ भाग हमेशा स्टब कहलाता है, तो इससे भी क्या बोलते हैं, स्टबल बर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कुछ वर्ड डिस्कस किए थे, आगे चलते हैं। हम लोगों ने नाउन डिस्कस कर लिया कि नाउन क्या होता है, कुछ वर्ड्स भी देखे थे अभी आप लोगों ने, ठीक है। अब आते हैं प्रोनाउन के ऊपर, कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, क्या बोलते हैं प्रोनाउन को, हम लोग बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम का मतलब देखो क्या है, सर्व का मतलब सभी, ऑल, नाम का मतलब क्या हो गया, नेम, ठीक है। नेम फॉर ऑल, सब लोगों के लिए नाम जो होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए तो समझो, मान लीजिए एक बड़ी बुरी क्लास है, उस क्लास में से मुझे किसी को बुलाना है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसका नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ये बोलूँगा ना, आप जरा इधर आइए, आप, मैं, तुम, हम, वो, वे, ये सारे क्या इशारे होते हैं, ये है ना, ये किसी का नाम तो नहीं है लेकिन एक ऐसा इंडिकेशन है कि सामने वाले को मालूम चल जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, या आप उन सामने वाले बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग प्रोनाउंस कहा जाते हैं, सर्वनाम कहते हैं इनको, ठीक है। बहुत टाइप के होते हैं ये, ठीक है, बहुत टाइप के, जैसे पर्सनल अलग होते हैं, प्रॉपर अलग होते हैं, एम्पेटिक है, रिफ्लेक्सिव है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे अगर आपका जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। आपका चैप्टर तो नहीं है प्रोनाउन का, लेकिन आप बेसिक आपको मैं समझा दूंगा। अब पर्सनल प्रोनाउंस देख लो, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, और दे है, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना। ये आपके सात जो होते हैं ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, इसमें वन भी आता है एट्थ प्लेस पे। तो ये आठ आपके कौन से हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई मतलब मैं, जो बोलने वाला है वो आई कहलाएगा, अगर बोलने वाले बहुत सारे हैं तो भाई वी कहलाएंगे, है ना, मैं और हम। तो इन दोनों को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि बोलने वाले होते हैं ना। अब जो सुनने वाला है वो यू कहलाता है, है ना। जैसे मैं बोलूँगा आप यहाँ पे आइए, मेरा नाम दीपक है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, माई नेम इज़ दीपक एंड आई वॉन्ट टू मीट यू। तो यहाँ पे जो यू है सेकेंड पर्सन, सामने वाला, ठीक है। तो यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेकेंड पर्सन, ठीक है। और ये फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन मिलके जिसके बारे में बात करते हैं या जिसको इंडिकेट करते हैं, उनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन लड़का है तो ही है, थर्ड पर्सन लड़की है तो सी है, थर्ड पर्सन
कोई नॉन लिविंग थिंग है तो वो इट है, ठीक है। मतलब अगर मेल कैटेगरी का है तो ही है, फीमेल कैटेगरी का है तो वो सी है, और अगर कोई जेंडर उसका नहीं है, वो न्यूट्रल जेंडर है, मतलब वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम लोग इट लगाते हैं। वैसे बेसिकली इट का यूज सिर्फ नॉन लिविंग के लिए नहीं होता, और भी जगह होता है, अभी देखूंगा आगे मैं बताऊंगा। और अगर वे बहुत सारे हैं, चाहे नॉन लिविंग बहुत सारे हैं, चाहे वो लिविंग बहुत सारे हैं, चाहे वो मेल बहुत सारे, चाहे फीमेल बहुत सारे हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो दे कहलाएंगे। और वन जो होता है ये एक कॉमन प्रोनाउन होता है, सबके लिए आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, हर किसी को अपने माता पिता की बाकी का सम्मान करना चाहिए, तो वन यहाँ पे कॉमन प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपके आठ कुछ प्रोनाउंस मैंने डिस्कस किए थे। तो देखो जरा इस सेंटेंस में यहाँ देखना, हमें ये दिख रहा है कि आई एक प्रोनाउन है ना, इनमें से आई प्रोनाउन है, बाकी आपको दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। तो देखो इस सेंटेंस में आपका तीन नाउन है और एक क्या है, ये प्रोनाउन है। तीन नाउन है और एक क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर लिया। मैं सब देखो समझाता हूँ कि इट का यूज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी एक बात है, अगर किसी के अपीयरेंस को देखकर आपको लगे कि वह मेल है तो उसको ही बोलना है। अगर आपके किसी के अपीयरेंस को देखकर आपको लगे कि ये फीमेल है तो उसको सी बोलना है, ठीक है। और किसी के अपीयरेंस को देख के ये लगे कि ये तो नॉन लिविंग है, क्या है ये, नॉन लिविंग है, तो इट लगेगा। और किसी के अपीयरेंस को देख के आपको जेंडर का अंदाजा ना लगे, यू गेट कन्फ्यूज बिटवीन द जेंडर मेल एंड फीमेल, अगर आप पता ना चले कि मेल एक फीमेल है, ठीक है, आप क्या हो जाओ, चकरा जाओ, या तो ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, आप कंफ्यूज हो, इसके अंदर कंफ्यूज हो, तो वहां पे भी इट लग सकता है भाई, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए तो इट आता है, लेकिन मेल फीमेल अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो भी वहां पे क्या लगा देना, आपको इट का यूज कर देना है। एग्जाम्पल देकर समझो, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे खाना खा रहे हैं, पास से कोई चूहा भागा, है ना, आप डर गए, मम्मी ने बोला क्या था, आपने बोला चूहा था, माँ ने बोला कि हो सकता है वो खाना ढूंढ रहा हो, मे बी इट वॉज सर्चिंग फूड, मे बी इट वॉज सर्चिंग फूड। देखो यहाँ पर मम्मी ने इट लगाया है, इट इसलिए लगाया क्योंकि चूहे का जेंडर पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लड़के के तरह लेकर ठुमक ठुमक चलेगा, या लिपस्टिक लगा रखी होगी, पायल बांध रखी होगी तो मालूम चल जाएगा, नहीं। चूहे को देख कर उसका जेंडर का अंदाजा लगाना क्या है, इम्पॉसिबल है, अंदाजा लगा नहीं सकते। तो वहाँ पर चूहे के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। इसलिए ऐसे छोटे मोटे जानवर जिनको देख कर जेंडर का अंदाजा लगता नहीं है, वहाँ पर ऐसा क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। जैसे मान लो चिंटिन काट लिया, मसल दिया आपने उसको, मार दिया, तो चिंटिन जो काटा था ना, हमें क्या पता वो चिंटी थी चिंटा था, मेल था फीमेल था, पता नहीं है ना, तो वहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रसोई में कोई बिल्ला या बिल्ली घुस गई, दूध पी के भाग गया, तो वो क्या था, वो भी इट था, बिकॉज यू डोंट नो द जेंडर, हमें जेंडर का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मान लीजिए घर में पालतू कोई आपने पेट पाला हुआ है और वो कुत्ते की कैटेगरी का है, डॉग है, तो वो अगर पी ले तो हमें पता होना चाहिए भाई, क्योंकि देखो पालतू जानवर है, पालतू जानवर का जेंडर तो हमें पता होना चाहिए, वरना जिंदगी खराब है इंसानों की, इंसान की जिंदगी लेकर अगर आपको पालतू जानवर का जेंडर नहीं पता, फिर क्या काम की लाइफ है ना। तो यहाँ पता होना चाहिए, वहाँ पे आप इट नहीं लगा सकते, वहाँ पे उसके नाम के आधार पर लगा दो। अगर आपने उसका नाम, अगर फीमेल है तो नाम क्या निकालोगे, जूली निकाल दोगे, मार्था निकाल दोगे, ये कुछ नाम है, मेल है तो टॉमी एक यूनिवर्सल नेम है, ठीक है। तो पालतू के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही और सी लगा सकते हैं। बाकी कुत्ता है, आपको मालूम चलने चला कि वो क्या किस जेंडर का है, तो इट बोलो सिंपली उसको, है ना। अगर पालतू कुत्ता है तो उसको देखो उसका जेंडर पता होना, आपको पता होना चाहिए उसका जेंडर, तो वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ही और सी लगा सकते हो। अच्छा मानो जैसे किसी को मलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाने पर ये सिंपल सी बात, ऑब्वियस सी बात यही है कि उसको फीमेल एनोफिलीज ने काटा होगा, तभी मलेरिया होता है, वरना मलेरिया होता नहीं है। इवन जितनी भी डिजीजेस है ना, जो मच्छर काटने से होती है, वो सारी फीमेल काटने से होती है, चाहे वो आप एडीज मच्छर है जो डेंगू का है ना, जो वो एनोफिलीज मच्छर है जो मलेरिया का है, दोनों ये फीमेल ही हैं। कोई भी रोग, दूसरे रोग भी कोई ना हो जाए, सभी फीमेल मच्छर काटने से होते हैं, है ना, क्योंकि उनको क्या है कि अंडों को सेकने के लिए खून चाहिए होता है, उसमें पोषक तत्व होते हैं वो चाहिए होते हैं, इसलिए वो काटते हैं। तो अगर आपको मलेरिया हुआ है, देन इट इज श्योर दैट यू आर बीटन बाय अ फीमेल, ठीक है, यू आर बीटन बाय हर,
वो जिसने काटा था वो लड़की थी, वो सी थी। हालांकि मच्छर है, वो लोग सर जानवर है, हम तो क्या क्या इट क्यों ना लगाएं, इट क्यों ना लगाएं, लेकिन याद रखना क्योंकि उसका जेंडर डिफाइन है तो आप इट की जगह पे सी प्रिफर करें, बेटर होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये हम लोगों को बातें डिस्कस की थी, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप को जंगल सफारी पर जाते हैं, जंगल घूमने के लिए जाते हैं, आपने देखा कि एक प्राइड है, प्राइड, प्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का एक झुंड, शेरों का ग्रुप, ठीक है, प्राइड है। आपने जीप पास में लेके गए, फोटोग्राफ ले रहे थे, अचानक उस ग्रुप में से कोई एक क्रिएचर बाहर आया, जोर से दहाड़ा, ये बड़े बड़े बाल थे उसके, लंबा चौड़ा शरीर में था, आप उसको देख कर डर गए, जीप लेके भाग गए, तो वो कौन था? ही था, सी था, इट था? सोचना क्या बोला मैंने, उस ग्रुप में से कोई एक बाहर आया, लंबा थोड़ा शरीर था, लंबे लंबे बाल थे उसके, वो दहाड़ा तो आप भाग गए, तो याद रखना वो ही था। कैसे पता? देखो मैंने क्या बोला, लंबा चौड़ा था, ये बड़े बड़े बाल थे गर्दन पे, तो शेरों में बाल जो होते हैं वो मेल्स के होते हैं, फीमेल्स के नहीं होते, तो यहाँ पे आपने बालों को देख के अंदाजा लगाया कि ये क्या है, यहाँ पे मेल है, तो हम क्या लगाएंगे, हम लोग ही लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पे इट मत लगाना, गलती हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप बड़े भाई की शादी है, इनविटेशन कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए हैं, किसी घर में गए, तो आप चाय पीने के लिए बैठ गए, देखा कि पास में झूला है, झूले में छोटा सा बच्चा है 2-3 महीने का, बड़ा प्यारा है, तो उसकी माँ जब आएगी, व्हाट विल यू से, इट इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी क्यूट और सी इज़ वेरी क्यूट, क्या बोलना चाहेंगे आप? आपको बोलना पड़ेगा इट इज़ वेरी क्यूट, देखो छोटा बच्चा है ना, वो छोटे बच्चों का जेंडर जो होता है उसके चेहरे से देख के पता नहीं लगा सकते, देखो छोटे बच्चों में क्या होता है कि ना तो कपड़ों में डिफरेंस कर पाते हैं लड़के लड़कियों वाले में, ना उनकी दाढ़ी वाड़ी आती है, ना उनकी आवाज़ भारी होती है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो इन्फेंट्स के लिए भी सेंटेंस में इट का यूज होता है, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जरा देखो, जैसे एक सेंटेंस है, बताना है किस भाग में गलती है, और ये नो एडिटिंग ऑप्शन, ठीक है ना, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और ये आपका पार्ट डी, ठीक है, बताना है गलती कहाँ पर है। एवरीवन वाज सैड टू सी द एनिमल डेड एज इट कुडंट बियर द बेबी सक्सेसफुली, कहता है हर कोई बहुत दुखी था उस जानवर को मरा हुआ देख कर, क्योंकि वो जानवर बच्चे को जन्म सही तरीके से नहीं दे पाया। तो देखो ऑब्वियस ही बात यह है कि वो बच्चे को जन्म दे रहा है, और बच्चे को जन्म देते कौन है, फीमेल देते हैं, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में साफ पता चल रहा है कि बात फीमेल की हो रही है, अगर बात फीमेल की हो रही है तो वी वॉन्ट यूज इट, वी हैव टू रिप्लेस इट विद सी, जन्म देना सी का काम होता है, इट का काम नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको इट का यूज समझाया, थोड़ा बहुत समझ में आया होपफुली, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रोनाउन भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास जो होगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव से, भाई एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक क्लास चल रही है, इन क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है, वरना आगे का चैप्टर जो है ना उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे। सो फार थैंक यू वेरी मच।